वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। तो एक और वीडियो आप लोगों के लिए हम लेके आए हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो किसी साड़ी की अंकित कीमत 200 है। इस अंकित कीमत पर 20% या परसेंट नहीं लिखा हुआ है, तो हम लोग इसे लिख देते हैं। पहला काम तो यही करते हैं कि 20% छूट देने के पश्चात दुकानदार को 16 का लाभ होता है। लाभ प्रतिशत कितना है? तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, लाभ प्रतिशत जो है हमारा हमेशा क्रय मूल पे निकलता है। तो हमें लाभ पता है लेकिन क्रय मूल नहीं पता है, तो हम लाभ प्रतिशत नहीं निकाल सकते। तो कैसे निकालेंगे क्रय मूल, पहले ये देखिए। तो 200 रुपये अंकित मूल्य है, इस पर कितना छूट दिया गया? 20%। तो 20% मतलब 80% इसका। तो अगर इसका 80% हम लोग निकालेंगे तो ये कट गया, कितना आया? 160। ठीक है, इसका कितना आया? 60। तो 160 हमारा क्या हो गया? विक्रय मूल्य, जितना लिखा हुआ था उस पर 20% छूट देके दुकानदार हमको दिया, तो ये मेरा आया विक्रय मूल्य। अब इसको लाभ कितना हो रहा है? 16 रुपये का। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? अगर विक्रय मूल्य से हम लोग लाभ को घटा देंगे तो हमारा क्रय मूल्य निकल जाएगा, तो घटा के आएगा 144। अब लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं? लाभ बटा क्रय मूल्य गुने 100। लाभ हो या हानि हो हमेशा क्रय मूल्य पे ही निकलता है। तो लाभ मेरा कितना था? 16। क्रय मूल्य कितना है मेरा? 144 गुने 100। तो ये कटेगा आपका 9 बार में, तो ये आ गया आपका 100/9। तो करेंगे तो सॉरी, एक बार में कटा 9, फिर 10 बचेगा, फिर एक बार में कटा फिर 9, एक तो 11 सही, 1/9। तो ऑप्शन नंबर ए सही है हमारा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब अपने दोस्तों को बताएं, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि सब्सक्रिप्शन बढ़े और जो भी वीडियो हम डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। देखने के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।